अमेरिका के कोलंबिया में एक कपल 22 सालों तक गंदनाले के अंदर रहा। मारिया गार्सिया और उनके पति मिगुल रेस्ट्रेपो एक सीवर में पिछले 22 सालों से रहे थे। इस सीवर में वे किसी मजबूरी वश नहीं रह रहे हैं, बल्कि आराम की जिंदगी जी रहे थे। कुछ समय पहले एक फोटोग्राफर ने इस सीवर में उतर के इस दंपति की जिंदगी के बारे में जाना तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। अंदर था पूरा घर का सामान। सदंपति को पहले ड्रग्स की लत थी। दोनों की मुलाकात मेडेलिन शहर में हुई थी। ड्रग्स के आदत ने इन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी और ये सड़क पर आ गए थे। परिवार की ओर से भी साथ छूट जाने के बाद दोनों ने एक दूसरे का साथ देने का फैसला किया। धीरे धीरे इन दोनों ने ड्रग्स छोड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद दोनों को न तो परिवार से मदद मिली और न ही दोस्तों से। अंत तक दोनों ने इस पुरानी सीवर लाइन को अपना घर बना लिया। सीवर लाइन को घर की तरह सजाया। डैश धीरे धीरे इन्होंने अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाने का प्रयास किया। दोनों पास ही कहीं छोटा मोटा काम कर जिंदगी गुजारने लगे। इन्होंने सीवर को घर की तरह अच्छी तरह से सजाया। इस सीवर के अंदर एक आम घर में होने वाले सभी जरूरत सामान, छोटा सा किचन और बिजली भी मौजूद रही। छुट्टी और त्योहारों के दिन दंपति अपने घर की सफाई करते हैं और सजाते हैं भी हैं। इनके पास एक कुत्ता है जो कि इस घर की सुरक्षा करता है। जेड न्यूज़ की रिपोर्ट।